ये उत्तर प्रदेश जनाब, यहाँ जब सुबह की चाय के साथ अखबार खोलते हैं तो आपकी नजर अनायास ही मोदी योगी के मुस्कुराते चेहरों के साथ छपी उस विज्ञापन पर चली जाती है जिसमें ये बताया जाता है कि उत्तर प्रदेश में सब कुछ ठीक है। उत्तर प्रदेश हर रोज नए कीर्तिमान गढ़ रहा है, लेकिन जब आपकी चाय के साथ अखबार का संवाद खत्म होता है तब क्या आप उस सुनहरे विज्ञापन में छपी तस्वीर की सच्चाई के बारे में जानने की कोशिश करते हैं? हम में से ज्यादातर लोग नहीं करते, क्योंकि अगर करते तो आज प्रदेश के बेरोजगार युवा को अपने खून से मुख्यमंत्री को चिट्ठी नहीं लिखनी पड़ती, वो भी तब जब सरकार नौकरी और रोजगार को लेकर बड़े बड़े दावे कर रही है। आप सोच कर देखिए उस युवा की पीड़ा को जो इस हद तक मजबूर हो गया कि उसे अपने खून से खत लिखने की जरूरत पड़ी। अगर योगी सरकार द्वारा दिए गए अखबारी विज्ञापनों में सच्चाई है तो क्यों आज यूपी में युवा नौकरी के लिए संघर्ष कर रहा है? क्यों आज हर दिन अखबार के किसी पन्ने में बेटियों के साथ दुर्व्यवहार की खबरें रहती हैं? क्यों हर दिन पुलिस या जाति के शिकार लोगों की चीखें सुनाई देती हैं? क्यों प्रदेश के किसानों को कार से कुचल दिया जाता है? सोचिए, आपको आज सोचने की जरूरत है, क्योंकि जिन झूठे विज्ञापनों के सहारे इन लोगों की आवाज दबाने की कोशिश हो रही है उनमें से एक आवाज कल आपकी भी हो सकती है।